नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वो देश भर की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। राजनाथ सिंह ने दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम बताया, साथ ही कहा कि हादसे की जांच के लिए एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ट्राई सर्विस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हादसे में जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और जीवित बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। CDS जनरल बिपिन रावत की हादसे में मृत्यु को लेकर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे CDS जनरल रावत और अन्य लोगों की मौत का दुख है, मैं उनके परिवार को शोक संदेश भेजता हूं। गुटेरेस ने कहा कि जनरल रावत ने अपनी UN पोस्टिंग के दौरान बेहतरीन काम किया था और उनके उस काम की तारीफ करते हैं। इसके अलावा भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि CDS रावत अमेरिका के एक मजबूत मित्र और भागीदार थे, जो अमेरिकी सेना के साथ भारत के रक्षा सहयोग के एक बड़े विस्तार को ही देखरेख कर रहे थे। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी शोक जाहिर किया। आज 12 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा अपने आंदोलन को खत्म करने को लेकर फैसला करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ही सरकार द्वारा भेजा गया संशोधित प्रस्ताव मान लिया था, जिसके बाद अब किसानों को अपने आंदोलन को लेकर आज फैसला करना है। बता दें, केंद्र व राज्य सरकारें किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे तुरंत प्रभाव से रद्द करने के लिए तैयार हो गई हैं। इसमें किसान आंदोलन के दौरान और पराली जलाने को लेकर दर्ज हुए मुकदमे भी शामिल हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि वो अपनी सारी बातों को लिखित में दे, हम इसे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये सरकार की मुहर के साथ कागज पर नहीं लिखा जाता। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि अगर किसान लौटते हैं तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक सभी राज्यों के किसान सुरक्षित घर नहीं पहुँच जाते। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अंत तक रहेंगे। Better.com के मुख्य कार्यकारी विशाल गर्ग ने पिछले हफ्ते जूम कॉल के जरिए ही 900 लोगों को कंपनी से निकाल दिया था। अब उन्होंने अपने इस किए धरे पर माफी मांगी है। कर्मचारियों की इस तरीके से जूम मीटिंग पर ही छटनी करने की खबरों के बाद विशाल गर्ग की जमकर आलोचना हो रही थी। उन्होंने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का कारण प्रोडक्टिविटी गिरना बताया था, जिसके बाद अब उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को निकाला उसमें बड़ी गलती हुई। विशाल गर्ग ने माना कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को नौकरी से निकाले जाने की बात बताई उसने कर्मचारियों के लिए एक मुश्किल घड़ी को बद से बदतर कर दिया। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में 3 सालों से अधिक समय से जेल में बंद वकील और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज आज आखिरकार जेल से बाहर आ गई हैं। उनको हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसके बाद NIA ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद बुधवार को विशेष NIA कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय की। बता दें, इस मामले में अदालत ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देते हुए बाकी 8 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ये 8 अभियुक्त हैं सुधीर डवाले, पी वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजालविस और अरुण फरेरा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह एक धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाके के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करा दिया और गेट बंद कर दिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। आज तक के अनुसार स्पेशल सेल के टॉप अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ वो देखने में क्रूड बम जैसा लग रहा है। ये छोटा IED हो सकता है, लेकिन लगता है कि IED ठीक से बन नहीं पाया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के SP के एक आदेश पर बवाल मच गया है। जिले में राज्यपाल के दौरे के ठीक पहले पत्र जारी करते हुए SP ने सिख और मुसलमानों को आतंकियों की श्रेणी में रखते हुए विशेष निगाह रखने के निर्देश माताहतों को दिए, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल राज्यपाल मंगू भाई पटेल के जिले में दौरे के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SP कटनी सुनील जैन ने यह आदेश जारी किया।
दो पेज के अपने आदेश में एसपी जैन ने सामान्य निर्देशों वाली फेहरिस्त के निर्देश नंबर 6 में लिखा, सिख मुसलमान JKLF उल्फा सिमी LTT आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। बवाल के बाद एसपी ने कहा, यह गलती से हुआ। एसपी कटनी के वायरल हुए आदेश के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एसपी और शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने बुधवार रात एक ट्वीट करते हुए कहा, घोर आपत्तिजनक है, किसी भी धर्म का पालन करने वालों को कैसे आतंकवादियों से जोड़ा जा सकता है। यही मानसिकता समाज में विघटन पैदा करती है जिसका हम विरोध करते हैं। इस प्रकार का उल्लेख सरकारी अधिकारी शासकीय दस्तावेजों में करें ये असंवैधानिक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, अभी तक BJP ही देश के अन्नदाताओं व मुसलमानों को आतंकवादी मानती रही, अब आपके नेतृत्व वाली पुलिस भी राज्यपाल के प्रवास के मद्देनजर इन्हें अधिकृत रूप से आतंकवादी मान रही है। आप SP हैं या BJP के प्रवक्ता, ये सरकार निसंदेह आपको दंडित नहीं करेगी बल्कि पद्मश्री से नवाजेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन और अब कनाडा ने भी चीन के बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। इन देशों ने कहा है कि उनके अधिकारी यहां नहीं जाएंगे, वो इसका बहिष्कार करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक बॉयकॉट यानी राजनयिक बहिष्कार का ऐलान अमेरिका ने किया था और कहा था कि चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के कारण फरवरी के बीजिंग ओलंपिक में उनके अधिकारी शामिल नहीं होंगे। इसके बाद चीन ने इसको एक राजनीतिक पोस्चरिंग और गंदा अभियान कहा। चीन ने अमेरिका को इसके लिए चेताते हुए यह भी कहा कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। BCCI ने भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव किया है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तानी से विराट कोहली को हटाकर अब रोहित शर्मा को कमान सौंप दी है। यही नहीं, BCCI ने रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उपकप्तान भी बना दिया है। इसके साथ ही रोहित अब T20 के साथ साथ ODI की कप्तानी करेंगे और टेस्ट की उपकप्तानी। विराट कोहली केवल टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए SatyHindi.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।